बिहार में तेजी से फैल रहे संक्रमण के बीच शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वहीं इस बैठक के माध्यम से विपक्ष ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण का जिम्मेदार नीतीश सरकार को ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। पिछले वर्ष आया था और उसे जो है संज्ञान लेकर इन लोगों को तैयारी शुरू दे रहना रखना चाहिए था सरकार के लोगों को, लेकिन नहीं रखने का काम किया, जिसके कारण आज जो है हजारों हजार लोग जो है प्रत्येक जिला में निकल रहे हैं और आज छटपटाहट की जिंदगी जीने पर जो है मजबूर है माननीय नीतीश कुमार जी कि हम कैसे इस महामारी से जो है निजात पाएं। तो कल आप तैयारी क्यों नहीं किए? आपके मिनिस्टर जो है ढोल पिटने का काम करते थे कि मेरा पूर्ण रूप से तैयारी है, सभी राज्यों से बेहतर मेरा जो है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जहां आरजेडी सुप्रीमो को बेल मिलने के बाद उनके परिवार में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। लालू जी ने अपनी आधी सजा काट ली है, हाईकोर्ट ने उन्हें उस आधार पर जमानत दी है। हम उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, आप भी सुनिए। न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा और आप सब लोग जानते हैं सजा की जो आधी अवधि जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है, पूरा किया है और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने बेल दिया है, बड़ी खुशी की लहर।